गाइस व्यू, मौसम बहुत प्यारा हुआ है, बारिश आ रही बहुत है गाइस। गिम्बल और कैमरा गीला ना हो जाए गाइस। वो है सामने अपना वेन्यू और ये है अपना कैमरा। So, हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, डे टू इन गोवा। तो भाई सामने व्यू देखो एक बार, व्यू भाई साहब गोवा की भाई बातचीत लग गया। तो आज हमारा डे टू है, आज हमारा दूसरा प्रोग्राम है वहाँ पे ग्रैंड हयात में। तो अब तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है, तो आज हमने शूट करना है, हल्दी शूट है और रिंग सेरेमनी है रात को। तो एक आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी यार चलते हैं, आपको जो भी होगा आपको दिखाएंगे और पुराना ब्लॉग जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखा, वो भी है। और वो देखो रोड आ रही है वहाँ से। बाकी यार बढ़िया लग रहा है यार, मौसम भी बढ़िया। जब से हम आए हैं गोवा में बारिश नहीं रुकी है, कल थोड़ी धूप आ गई थी बट आज फिर बारिश आ चुकी है। 12:01 बज गए हैं तो ग्रीनरी बहुत हो रखी है। तो तुम्हारे भाई की यार कल फिर फ्लाइट है, मैंने दूसरी फ्लाइट में चढ़ना है यार, वो भी तुम्हें बताऊँगा। मेरी इकट्ठी 4 से 5 फ्लाइटें थी पहले, कभी जिंदगी में फ्लाइट में नहीं बैठे। जब बैठे हैं तो इकट्ठे 3-4-5 बार बैठ गए बैक टू बैक। तो निकल चुके हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, फिर से जा रहे हैं रिहायत। गाइस व्यू, मौसम बहुत प्यारा हुआ है। यही तो है, यही है ना, बारिश आ रही बहुत है गाइस, पर मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। यही तो है हल्दी का, हल्दी का आप वीडियो बनाएंगे। लो भाई नेक्स्ट शॉट हम लेने जा रहे हैं, सामने हल्दी हो रही है, हल्दी होगी भाई बारिश में। तो भाई मेरे को दे रहे सपोर्ट पूरी कि गिल्ली ना हो जाए गिम्बल और कैमरा गीला ना हो जाए। ध्यान ध्यान से चलते हैं, बहुत स्लिपरी है। वो सामने वेन्यू है तो वहाँ चलते हैं ध्यान से। गाइस वो है सामने अपना वेन्यू और ये है अपना कैमरा। आ जाओ भैया, आप भी आ जाओ भैया, मिल गए ढोल वाले भैया, भी पंजाबी भाग से हैं, वेस्ट दिल्ली है, वेस्ट दिल्ली। ये वेन्यू है मैगी खान लग गया सामने बनवाई सी। सो गाइस नेक्स्ट इवेंट के लिए अभी डेकोर शूट हो रहा, पूरा प्रिपरेशन चल रही है। स्टेज लग रहा है, तुम्हें दिखा देता हूँ भाई, ये देखो कितनी मेहनत लग रही है पूरा एक डेकोर सेटअप करने के लिए। वो देखो वहाँ पे भाई शीशा जोड़ रहा है, एक एक वो लगा रहा है सितारे। ये देखो वहाँ स्टेज लग रहा है, साउंड चेक वगैरह हो रही है सामने। और ये ना बेसिकली भाई ये देखो ये ना कस रहे हैं इसको, शीशे को, शीशे पे पेच लगा रहे हैं एक एक करके।
बेसिकली हेल्प डेस्क बना हुआ था क्लाइंट के लिए जिनको हम रूम्स वगैरह अलॉट करेंगे। तो सुबह से काम चल रहा था यहाँ पे। यहाँ पे शॉपिंग मॉल है कलेरिया, यहाँ से हम शॉपिंग कर सकते हैं। बाकी ये प्रॉपर्टी मेरे को अच्छी लगी है काफ़ी। जहाँ यार डिफरेंट है बट यार बढ़िया है, दिल्ली से थोड़ा ठीक है। दिल्ली का अपना हिसाब है, गोवा का अपना हिसाब है। यहाँ पे बीचेस हैं, रिजॉर्ट्स हैं, फिर ये कैसीनो के लगे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट में चलते हैं, बीच पे चलते हैं, बीच पे थोड़ा फन करके आते हैं। Lovely family. Honestly, amazing. The energy was crazy. What a beautiful bride and groom to be. Congratulations, you guys rocked. Definitely. And we'll see you again very soon from Surge RDB and Ramit Sandhu. Peace. Guys, हालत पूरी tight हो रखी है. Team मिल गई है, अब हमारी flight है. Goa to Bombay. ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर रहा है, बीच में डाल दूंगा। सुबह 6 बजे की फ्लाइट है तो अभी 5 बज गए हैं। बहुत थक चुके हैं भाई, बहुत थके हुए हैं, शक्ल से ही पता लग रहा होगा। गाइस ये एयरपोर्ट है गोवा का इंटरनेशनल है। भाजी साढ़े नाल ने मनजीत भाई, बढ़िया भाई बढ़िया। साढ़ी 6 की फ्लाइट है भाई, 6:40 की। दिल्ली टू बॉम्बे जा रहे हैं अभी, तो बॉम्बे टू उदयपुर जाना कनेक्टिंग फ्लाइट हैगी है। बहुत एग्जॉस्टेड हो रखा है। डायरेक्ट RDB भाई जो शो तो आया, तुम देख ही लिया कि अभी बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया। बाकी लेट्स सी गाइस, मेरी सेकंड फ्लाइट का बोर्डिंग पास आ चुका है। और सेकंड फ्लाइट भाई मेरी सेकंड फ्लाइट है गोवा टू बॉम्बे। तो भाई तुम्हारा भाई जा रहा है बॉम्बे, ये देखो इन्होंने लेना कुछ नहीं है, बस पूछना है कितने का से क्या प्राइस है इसका। 400 ग्राम का। गाइस अभी क्या इशू है, जो हमारे ड्रमर थे, जो शो पे ड्रमर थे, ढोलची थे, तो वो सारे जा रहे हैं हमारे साथ। तो कोई इतने टेंशन वाली बात नहीं है, 5-6 बंदे तो हैं ही हैं, ज़्यादा ही बंदे हैं, 10 बंदे हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो बाकी यार नया एक्सपीरियंस है, नए नए लोग बन रहे हैं, नए नए दोस्त बन रहे हैं। भाई हमारा DJ है, विजय डीजे भाई। ये बड़ा सीन गलत लगता है यार, सब कुछ निकाल दो फिर रखो, ये बहुत दिक्कत है इसमें चेक इन में। गाइस ये सिस्टम बड़ा गलत लगता है यार मेरे को ना, बार बार निकालो रखो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है यार। गाइस अपना प्लेन लग चुका है सामने, इंडिगो की फ्लाइट है अपनी। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜੱਟ ਦੀ ਕੋਕਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ ਦਾ।